हेलो फ्रेंड्स तो फाइनली आप सभी बच्चों का यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई वन हो या ई टू हो आप सभी लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है अब आपके मन में एक ही सवाल होगा कि सर इस बार का क्वेश्चन हार्ड था या इजी था क्या कट ऑफ रहेगी कितने क्वेश्चन सही होने पर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज या एडेड कॉलेज मिल जाएगा या फिर जिनको प्राइवेट कॉलेज चाहिए होगी तो प्राइवेट कॉलेज का क्या कट ऑफ रहने वाला है मैं बहुत नर्वस हूँ सर प्लीज थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए ताकि थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील हो तो जी हाँ ये वीडियो बिल्कुल इसी टॉपिक के लिए है कि आप एग्जाम दे के आ चुके हैं आपने अपने पेपर को एनालाइज भी कर लिया होगा कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं कितने क्वेश्चन आपके स्कोर मतलब कितना क्वेश्चन आपका सही हो सकता है क्या आपका स्कोर रहने वाला है एक अंदाज आपको लग गया होगा अब उस स्कोर के बिहा पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है वो चीजें मैं बताने वाला हूँ ठीक है तो वीडियो में लास्ट बने रहिएगा सबसे पहले तो मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि जो भी बच्चे हमारे साथ जितने भी बच्चों से हमारा लगातार कांटेक्ट में थे जो हमारे पेड क्लासेस के स्टूडेंट थे जैसे कि कुछ लड़कियां हैं कुछ बच्चे कुछ लड़के भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा है कंफर्म उनका 60 प्लस किसी का 55 प्लस किसी का 50 प्लस क्वेश्चन सही आ रहे हैं किसी का 60 प्लस तक का भी क्वेश्चन सही है लगभग एवरेज में से ज़्यादातर रिज़ल्ट सही रहा है इसका मतलब कहने का अर्थ है कि जो बच्चे पढ़े थे उनका पेपर ठीक गया है है ना तो आप क्वेश्चन को हार्ड नहीं कह सकते हैं और मैं शुरुआत से ही बताता रहा हूँ कि जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का पेपर होता है ये एक्चुअली में ग्रुप ए से बहुत डिफरेंट है आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। इसका पेपर इसी लेवल का आता है और इसका एक्चुअल लेवल यही है, है ना तो ऐसा कोई इस बार अलग नहीं हुआ है कि आपको क्वेश्चन हार्ड देखने को मिला जैसे कि कई सारे बच्चों ने बोला कि बायो का क्वेश्चन हार्ड था तो मैंने कभी भी इस नजरअंदाज इस बात को किया ही नहीं था ऑलवेज जब भी आपको तैयारी करवाई जब भी पढ़ाया जैसे भी क्वेश्चन करवाएं तो ऑलवेज उस लेवल के क्वेश्चन करवाएं जब आप मेरे उदित फार्मेसी के ऐप पर जो डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के बैच को विजिट करेंगे तो वहाँ ऑन एन एवरेज हमने वन लेक्चर्स में पूरी बायोलॉजी पढ़ाई है ना तो वहां पर जो पढ़ाया जस्ट उसमें से डायरेक्ट कहा गया बच्चों के द्वारा कहा गया कि सर कम से कम तीस क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ गए और अगर जो एफर्ट लगा के थोड़ा सा माइंड एक्टिव करके रखा जाए तो अमूमन तौर पर जो बच्चा सही से पढ़ा था वो पचास में से कम से कम बायोलॉजी में चालीस से बयालीस क्वेश्चन तक सही कर पाया है ठीक है तो ये रहा तो आप इसके अनुमान से आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था हार्ड भी नहीं था मैंने भी कुछ क्वेश्चंस देखे मुझे बच्चों ने भेजा तो आप इसको इजी नहीं कह सकते ना ही हार्ड कह सकते क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा इस बार डाउन रहा तो आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का था तो कटाफ आपका अगर गवर्नमेंट कॉलेज से चाहते हैं मैं इस बार कैटेगरी वाइज तो नहीं बता रहा हूँ लेकिन हाँ एक राउंड फिगर में आप मान के चलिए जनरल वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको कम कम आपको 50 से 55 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे अगर गवर्नमेंट चाहिए 55 से 60 क्वेश्चन यदि आपका सही है तब आप मान सकते हैं कि आप थोड़ा सेफ हैं है ना 200 230 प्लस स्कोर मैं कहूंगा आपके लिए एक सेफ स्कोर मिनिमम स्कोर चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एडेड की बात करें तो 210 या 220 तक आप मान सकते हैं क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है सीट बहुत कम है और याद रखिएगा इंट्रेंस एग्ज़ाम जो यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का है इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि यदि चार मार्क्स का है तो आपको साढ़े तीन सौ पे सलेक्शन होगा या तीन सौ पे सलेक्शन होगा इसका हर साल का कट ऑफ ऑन एन एवरेज अगर आप ढाई प्लस स्कोर कर रहे हैं तब आप बिल्कुल तरीके से सेफ से हैं तब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है लेकिन हां अगर आप 230 प्लस जा रहे हैं तो आप अपने आप को रख सकते हैं एक सेफ एरिया में मैं कहूंगा चाहे वो गवर्नमेंट हो या एडेड हो अब बात करते हैं सर प्राइवेट कॉलेज कब मिलेगा तो प्राइवेट कॉलेज के लिए बस आप क्वालिफाई कर जाएं और क्वालिफाइंग मार्क्स काफी कम रहता है आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपका यदि चार मार्क्स का पेपर है तो इसका क्वालिफाइंग मार्क्स ज्यादा से ज्यादा सिक्सटी टू सेवेंटी मार्क्स जाएगा तो आप साठ से सत्तर अगर सारा क्वेश्चन तुक्का भी लगा के आएंगे तो उतना क्वेश्चन सही हो

तो ये कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई के, के कट ऑफ को लेकर के और अब बात रही कि अब आप फार्मेसी में एंटर कर चुके हैं कहा जाए अगर आपको कॉलेज में इंटरेस्ट है आप फार्मेसी में फर्स्ट ईयर में आना चाहते हैं आपको कन्फर्म है कि मुझे एडमिशन लेना ही है तो अब थोड़ा बहुत आप जानकारी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए आराम कर लीजिए लेकिन इसके बाद आप जानकारी लेना शुरू कर दीजिए कि फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना है क्या जॉब स्कोप है ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर मिलता है ठीक है तो आप यूट्यूब पर जाइए और उदित फार्मेसी सर्च कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जब तक कि आप फार्मेसी कंप्लीट नहीं कर लेते हैं और सरकारी नौकरी या फिर कोई भी फार्मेसी जॉब में नहीं चले जाते हैं तब तक आपको वो चैनल हेल्प करता रहेगा ठीक है, है तो चलिए आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बिल्कुल बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही है और आपके पेपर कैसे रहे है ना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद ओके बाय बाय